बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम रिहान है। जो मेरी इस चैनल पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई गई है वो ये है कि मैं इस चैनल पर ए टू जी इंग्लिश ग्रामर के लेक्चर पोस्ट करूं और उसके साथ वोकैबुलरी को भी हल्का सा टच दूं। और मैं तकरीबन 60 डेज़ के लिए फ्री हुआ हूं और मैंने ये हिसाब लगाया है कि जो हमारी इंग्लिश ग्रामर है वो 20 लेक्चर्स में कम्प्लीट हो जाएगी। और मेरा ये इरादा है कि मैं पहले दिन लेक्चर को रिकॉर्ड करूं, उसे अगले दिन उसे एडिट करूं और उसे पोस्ट कर दूं, ताकि जो हमारी इंग्लिश ग्रामर है वो वक्त पर मुकम्मल हो जाए। ये तो है मेरा प्लान। बाकी मैं इस प्लान को फॉलो करता हूं या नहीं वो आप पर डिपेंड करता है। अगर तो ARSLAN भाई की तरह लेक्चर को रिकॉर्ड करना है, उसके बाद एडिट और पोस्ट करने के बाद प्रोमोट भी मुझे भी करना पड़ेगा, तो फिर लेक्चर आने में थोड़ी तखीर होगी। अब आपने क्या करना है, जैसे ही हम अपनी वीडियो यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं उसी के साथ ही हम अपनी वीडियो हमारे पेज CSS प्रिपरेशन बाय ARSLAN पर भी इसका लिंक शेयर कर देते हैं। अब आपने वहां पर जाकर इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना है, ताकि ये वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके और मैक्सिमम लोगों का फ़ायदा हो और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कम हो, ताकि अगला लेक्चर टाइम पर अपलोड हो सके। और लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं आपको दो बुक्स रिकमेंड करूँगा। एक बुक की पिक्स हमारे फेसबुक पेज CSS प्रिपरेशन बाय ARSLAN पर अपलोड कर दी गई हैं, आप वहां पर चेक कर सकते हैं। और दूसरी बुक हाई स्कूल ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन बाय रेन एंड मार्टन है, आप इन दो बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा मैं जो भी लेक्चर डिलीवर करूंगा आप उसको साथ साथ नोट करते जाएँ, क्योंकि उनमें बहुत काम की बातें होंगी। और इसी के साथ हम लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि सब्जेक्ट के लिहाज से कौन सा वर्ब आएगा। इसके लिए मैंने चंद पॉइंट्स को निकाला है, आप सबसे पहले उन पॉइंट्स को नोट कर लें। मुझे उम्मीद है कि आपने इन पॉइंट्स को अपने रजिस्टर पर नोट कर लिया होगा। अब हम इन पॉइंट्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं। अब हम अपने सबसे पहले पॉइंट को डिस्कस करते हैं, जो कि ये है कि सब्जेक्ट के लिहाज से कौन सा वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा। जैसा कि इस एग्जांपल में नरेट किया गया है कि सलमा स्पीक्स द ट्रूथ, इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं कि सलमा सिंगुलर है, उसकी वजह से स्पीक्स आया है। बिल्कुल इसी तरह एक और एग्जांपल है, राशिद गोज़ टू स्कूल, अब इसमें राशिद सिंगुलर है, उसकी वजह से गोज़ आया है। अब हम अपने पॉइंट टू की तरफ मूव करते हैं, जो कि ये है कि सब्जेक्ट वन के लिहाज से कौन सा वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा। जहाँ पर भी ये वाले अल्फाज आ जाएं, एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, विद, एक्सक्लूडिंग, इंक्लूडिंग, एक्सेप्ट, बट नॉट, जैसा कि यहाँ पर लिखे गए हैं, तो आपने हमेशा वर्ब को सब्जेक्ट वन के मुताबिक लगाना है। सब्जेक्ट वन वो सब्जेक्ट होगा जो कि इन अल्फाज से फौरन पहले आएगा, जैसा कि इस एग्जांपल में नरेट किया गया है, द किंग अलोंग विद हिज मिनिस्टर्स डिजर्व्स टू बी पनिश्ड। अब इसमें द किंग सब्जेक्ट वन है और मिनिस्टर्स सब्जेक्ट टू। अब इसमें हमारा कीवर्ड अलोंग विद है, अलोंग विद से पहले आने वाला सब्जेक्ट वन, उसके मुताबिक वर्ब डिजर्व्स आया है। बिल्कुल इसी तरह दूसरी एग्जांपल में, ही अश्योर्स मी डैट एवरीथिंग टुगेदर विद अदर मैटर्स हैज़ बीन रिटन। अब आप इसमें देख सकते हैं कि टुगेदर विद हमारा कीवर्ड है, उससे पहले एवरीथिंग सब्जेक्ट वन है और मैटर्स सब्जेक्ट टू है। अब इसमें जो वर्ब है वो एवरीथिंग यानी कि सब्जेक्ट वन के मुताबिक हैज़ आया है। जहाँ पर भी आपको ए वाले अल्फाज दिखाई दें तो आपने हमेशा सब्जेक्ट वन के मुताबिक वर्ब को लगाना है। अगर आप सब्जेक्ट टू के मुताबिक, जो कि इन अल्फाज के बाद दिया गया है, वर्ब लगाएंगे तो वो हमेशा गलत होगा। अब हम अपने तीसरे पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, जो कि ये है कि सब्जेक्ट टू के मुताबिक कौन सा वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा। जहाँ पर भी ये वाले अल्फाज आ जाएँ, नीदर नॉर इधर और नॉट ओनली बट आल्सो, जैसा कि यहाँ पर भी लिखे गए हैं, अब ये सब्जेक्ट वन है और ये सब्जेक्ट टू है। अब इस एग्जांपल में नरेट किया गया है, नीदर सलमा नॉर हर फ्रेंड्स आर बिजी। अब इसमें सलमा सब्जेक्ट वन है और फ्रेंड्स सब्जेक्ट टू हैं। अब इसमें हमारा कीवर्ड कौन सा है, नीदर नॉर, इसकी वजह से जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट टू यानी कि फ्रेंड्स के मुताबिक आया है, यानी कि करेक्ट जुमला है वो ये होगा, नीदर सलमा नॉर हर फ्रेंड्स आर बिजी। अब जैसा कि इस एग्जांपल में भी नरेट किया गया है, नॉट ओनली चेयर्स बट आल्सो बेड इज़ ब्रोकन। अब इसमें जो हमारा कीवर्ड है वो है नॉट ओनली बट आल्सो, तो अब ये हमारा कीवर्ड है नॉट ओनली बट आल्सो, उसकी वजह से जो हमारा सब्जेक्ट टू है बेड, उसके मुताबिक इज़ आएगा, नॉट ओनली चेस बट आल्सो बेड इज़ ब्रोकन,
ये सही जुमला होगा, नॉट ओनली चेस बट आल्सो दैट आर ब्रोकन, देखने में तो अच्छा लगता है मगर ये गलत होगा क्योंकि हमारे कीवर्ड्स नॉट ओनली बट आल्सो इधर और नीदर और, इनके मुताबिक हम वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब को लगाएंगे। अब हम अपने पॉइंट फोर की तरफ मूव करते हैं जो कि ये है कि एंड को किस तरह इस्तेमाल करना है। जब भी एंड को एज एन कनेक्टर यूज़ किया जाएगा या दो अल्फाज को या दो सब्जेक्ट्स को एंड के साथ मिलाया जाएगा तो जो हमारा वर्ब है वो सिंगुलर भी आ सकता है, प्लूरल भी आ सकता है। अगर दोनों वर्ड्स डिफरेंट सेंस दे रहे हों तो जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल आएगा। जैसा कि इस एग्जांपल में नरेट किया गया है, गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीशियस मेटल्स। अब इसमें गोल्ड एंड सिल्वर जो हैं वो डिफरेंट सेंस दे रहे हैं, उसकी वजह से जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो प्लूरल आया है। अगर दो सब्जेक्ट्स या दो अल्फाज जिनको हमने एंड के साथ मिलाया है वो सेम सेंस दें तो जो हमारा हेल्पिंग वर्ब या वर्ब होगा वो सिंगुलर आएगा। जैसा कि इस एग्जांपल में नरेट किया गया है, ब्रेड एंड बटर इज टू अन, हॉर्स एंड कैरिज इज एट द गेट। अब आप इसमें देख सकते हैं ब्रेड एंड बटर, हॉर्स एंड कैरिज, ये दोनों एक ही सेंस दे रहे हैं जिसकी वजह से जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर आया है। बिल्कुल इसी तरह जहाँ पर ये वाले अल्फाज आ जाएँ, ब्रेड एंड बटर, कोर एंड क्रक्स, राइज एंड फॉल, एब एंड फ्लो, स्लो एंड स्टडी, यहाँ पर भी ये वाले अल्फाज आ जाएँ तो जो हमारा हेल्पिंग वर्ब या वर्ब होगा वो सिंगुलर आएगा। अब हम इसकी एक्सेप्शंस को डिस्कस करते हैं। जैसा कि इन एग्जांपल्स में नरेट किया गया है, टू एंड टू मेक फोर, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। अब जाहिर टू एंड टू, टाइम एंड टाइड एक ही सेंस देते हैं, उनका जो वर्ब है वो सिंगुलर आना चाहिए, मगर ये दो एक्सेप्शंस हैं जिनमें वर्ब प्लूरल आता है और आप इनको याद रखिएगा। बिल्कुल इसी तरह एक ये एग्जांपल है, द लॉयर एंड लेक्चरर हैज अराइव्ड, द लॉयर एंड द लेक्चरर हैव अराइव्ड। अब जैसा कि इस एग्जांपल में है, द लॉयर एंड लेक्चरर, अब इसमें लेक्चरर से पहले द नहीं है जिसकी वजह से यही हमारा सब्जेक्ट वन है और यही हमारा सब्जेक्ट वन है और द एक ही है, द लॉयर एंड लेक्चरर हैज़ अराइव्ड। अब इसमें लेक्चरर से पहले द ना होने की वजह से जो हमारा हेल्पिंग वर्ब या वर्ब है वो सिंगुलर आएगा। जैसा कि अब इस एग्जांपल में है, द लॉयर एंड द लेक्चरर हैव अराइव्ड। अब इस एग्जांपल में द लॉयर एंड द लेक्चरर, अब ये दोनों डिफरेंट हो गए हैं, दोनों अब डिफरेंट सेंस देंगे और जो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब होगा वो प्लूरल आएगा, यानी कि एंड से पहले भी दा है और बाद में भी दा है, इसकी वजह से जो हमारा हेल्पिंग वर्ब या वर्ब है वो प्लूरल हो गया है। और इस सेंटेंस में हमारा एंड के बाद दा नहीं है मगर एंड से पहले दा है, द लॉयर एंड लेक्चरर हैज़ अराइव्ड ही ठीक होगा और अब ये दोनों एक सेंस देंगे। अब हम अपने पांचवें पॉइंट को डिस्कस करते हैं जो कि है यूज़ ऑफ नाउन एंड क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स ऐसे अल्फाज को कहते हैं जो कि नाउन से पहले आते हैं और किसी भी चीज़ की क्वांटिटी या अमाउंट को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि मच, सफिशिएंट, लिटिल, अ फ्यू, फ्यू, सम, अ लॉट ऑफ, ये सब ऐसे अल्फाज हैं जो क्वांटिफायर्स हैं और अमाउंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इनको काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज़ किया जाता है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैनी, सेवरल, न्यूमरस, फ्यू, आ फ्यू, इनको आपने काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करना है। मच, सफिशिएंट, लिटिल, आ लिटिल, इसको आपने अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करना है, जैसा कि इन एग्जांपल्स में भी एक्सप्लेन किया गया है, वी हैव अ फ्यू कॉइन्स इन द बॉक्स। अब कॉइन्स काउंटेबल नाउन है, उसकी वजह से अ फ्यू आया। देर इज़ ए लिटल वाटर इन द जग, अब वाटर अनकाउंटेबल है, उसकी वजह से अ लिटल आया। इन अल्फाज को इनके कोरस्पोंडिंग इस्तेमाल करेंगे तो ही ये दुरुस्त होंगे, जैसे देर आर अ लिटल कॉइन्स इन द बॉक्स। अब ये देखने में ठीक लगता है मगर ये गलत होगा क्योंकि कॉइन्स काउंटेबल हैं और उनके साथ अ लिटल नहीं आ सकता, वहाँ पर अ फ्यू आएगा। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूज करते हैं, जैसा कि अ फ्यू का इस्तेमाल पॉजिटिव सेंस में होगा, फ्यू का इस्तेमाल नेगेटिव सेंस में, अ लिटल का इस्तेमाल पॉजिटिव सेंस में होगा, लिटल का इस्तेमाल नेगेटिव सेंस में। अ फ्यू का मतलब है थोड़ी सी मिकदार मौजूद है और फ्यू का मतलब है कि बिल्कुल ना होने के बराबर है, जैसे देर आर अ फ्यू कॉइन्स इन द बॉक्स, मतलब बॉक्स में थोड़े बहुत कॉइन्स मौजूद हैं। देर आर फ्यू कॉइन्स इन द बॉक्स, ये भी ठीक है मगर इसका मतलब है कि बॉक्स में बहुत ही कम ना होने के बराबर कॉइन्स मौजूद हैं। बिल्कुल इसी तरह देर इज़ अ लिटल वाटर इन द जग, इसका मतलब पांच जग में थोड़ा बहुत पानी मौजूद है। देर इज़ लिटल वाटर इन द जग, इसका मतलब पांच जग में बिल्कुल ना होने के बराबर, यानी चंद कतरे ही पानी मौजूद है। बिल्कुल इसी तरह कुछ चंद अल्फाज हैं
सम अ लोट ऑफ एनी, ये जो तीन अल्फाज हैं सम अ लोट ऑफ एनी, ये काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज़ हो जाते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज़ हो जाते हैं, यानी कि आप इनको बोथ काउंटेबल एज वेल एज अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ कर सकते हैं। जैसा मैं आपको एक एग्जाम्पल से नरेट करता हूँ, देर आर सम कॉइंस इन द बॉक्स, देर इज ए सम वाटर इन द जग, यानी कि ये दोनों ठीक होंगे और ये दोनों के साथ काउंटेबल और अनकाउंटेबल के साथ यूज़ हो सकते हैं। अब हम पॉइंट नंबर 6 को डिस्कस करते हैं जो कि है यूज़ ऑफ नाउन एंड रिलेटिव प्रोनाउन। अब इसमें जो अल्फाज आएंगे वो ये हैं हु, हुम, हुज, विच, दैट। जैसा कि इनका इस्तेमाल यहाँ पर लिखा गया है, हु का इस्तेमाल ह्यूमंस और पेट्स के लिए किया जाएगा, विच का इस्तेमाल एनिमल्स और थिंग्स के लिए किया जाएगा, दैट का इस्तेमाल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है वो मैं लेटर एक्सप्लेन करूँगा, हुम का इस्तेमाल मैन के लिए, हुज का इस्तेमाल पोजेशन के लिए किया जाएगा, यानी कि इन अल्फाज का इस्तेमाल इनके क्रोस्पोंडिंग किया जाएगा, जैसा कि इन एग्जाम्पल से क्लियर होता है। दिस इज़ द डॉग विच बाइट्स, अब देखने में ऐसा लगता है दिस इज़ द डॉग दैट बाइट्स ठीक होगा, मगर ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि डॉग एक एनिमल है और उसके लिए विच आएगा। बिल्कुल इसी तरह सर अहमद अप्रिशिएटेड द मोबाइल्स विच ही सॉ इन द मार्केट, जैसा कि आप इस फिक्र में देख सकते हैं मोबाइल्स हैं जो उनके मतलब हम अहमद बात कर रहा है और मोबाइल थिंग्स में आता है, उसकी वजह से इस फिक्रे में विच आया है। बिल्कुल इसी तरह इस एग्जांपल में अली अप्रिशिएटेड द पीपल हुम ही सॉ इन द मार्केट, अब इसमें कीवर्ड हमारा पीपल है उसकी वजह से हुम आया है, जैसा कि यहाँ पर भी एक्सप्लेन किया गया है कि हुम का इस्तेमाल मैन के लिए किया जाएगा। बिल्कुल इसी तरह आपने हमेशा इन अल्फाज को इनके कोरस्पोंडिंग इस्तेमाल करना है। अब हम दैट के यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, दैट का इस्तेमाल उस फिक्रे में होगा जिसमें सेम वर्ड यूज़ किया गया हो, या फिर जिस फिक्रे में सुपरलेटिव डिग्री या फिर थर्ड डिग्री हो, या फिर जिस फिक्रे में इनडेफिनाइट प्रोनाउन हो, या फिर जिस फिक्रे में एनिमल्स प्लस मैन प्लस थिंग्स इन तीनों को एक साथ या इन तीनों में से कोई भी दो को एक्सप्लेन दिया गया हो। अब हम इन एग्जाम्पल्स को देखते हैं। दिस इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल दैट आई हैव एवर मेट, अब जैसा कि इस फिक्रे में वर्ड है गर्ल, गर्ल वर्ड की वजह से ऐसा लगता है कि इस फिक्रे में हुम को हम यूज़ करेंगे, मगर वो गलत होगा। इस फिक्रे में मोस्ट आया है जो कि थर्ड डिग्री है, उसकी वजह से इस फिक्रे में हम डैट को प्रेफरेंस देंगे, यानी कि दिस इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल डैट आई हैव एवर मेट ठीक होगा, दिस इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल हुम आई हैव एवर मेट गलत होगा, जो कि बज़ाहिर दुरुस्त लगता है। बिल्कुल इसी तरह डेफिनेट प्रोनाउन उस प्रोनाउन को कहते हैं जो कि नाउन हो, जैसा कि ही, शी, इट। इनडेफिनेट प्रोनाउन उसको कहते हैं जो कि अननाउन हो, जैसा कि आल, समवन, एनीवन, एनीबॉडी, यानी कि अननाउन, आल, समवन, एनीवन, एनीबॉडी, ये अननाउन है, इसको हम इनडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। और इनडेफिनेट प्रोनाउन के बाद हमेशा हम डैड को यूज़ करेंगे, जैसा कि इस एग्जाम्पल से पता चलता है, All that glitters is not gold. अब इस फिक्रे में all indefinite pronoun है, उसकी वजह से that आया है। बिल्कुल इसी तरह you may choose any topic that you wish. अब इस फिक्रे में indefinite pronoun any है, उसकी वजह से that आया है। बिल्कुल इसी तरह हम अगली example को discuss करते हैं। Ahmed appreciated the people and things that he saw in the market. अब इस फिक्रे में pupils and things इकट्ठा है, उसकी वजह से that आएगा। जैसा कि मैंने पहले भी explain किया है, people and things इकट्ठा आ गया है, उसकी वजह से that आया है। बिल्कुल इसी तरह हम अपनी अगली example को देखते हैं। This is the same pen that I got yesterday. अब इस फिक्रे में पेन को देखकर ऐसा लगता है कि इस फिक्रे में विच आएगा, मगर वो गलत होगा। सेम की वजह से इस फिक्रे में डैट आएगा, यानी कि दिस इज़ द सेम पेन डैट आई गोट यस्टरडे ठीक होगा, जबकि अगर हम विच को लगाएंगे तो वो गलत होगा।